भारत 15 देशों के उस लिस्ट में आ गया है जिसमें कोरोना तेजी से फैल रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। भोपाल और इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं। प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मास्क लगाने की अपील करते हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री इसे मानने को तैयार नहीं हैं। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को कई विधायक और मंत्री बिना मास्क लगाए पहुंच गए। इनमें मंत्री उषा ठाकुर भी शामिल थी। उषा ठाकुर संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। जब उन्हें टोका गया तो बोली, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, शंख बजाती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, गोबर के कंडे पर हवन करती हूँ, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये मेरा कोरोना से बचाव है, गमछा गले में रखती हूँ, अगर कोई पास आए तो मुंह पर रख लेती हूँ। अभी आप सब लगाए हैं, मैं बात करी, जब मैं बात करूं कोई इतना नज़दीक आएगा तो मैं अपना मुंह ढाक के फिर उनकी बात सुनूंगी, उनसे बात करूंगी। 2 गज की दूरी से ही मिलती हूं जिससे भी मिलती हूं, वैदिक जीवन पद्धति का संपूर्ण पालन करती हूं, सूर्योदय सूर्यास्त के बाद अग्निहोत्र करती हूं, सस्वर दुर्गा सप्तशती हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं और शंख का नाद करती हूं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पूरे वातावरण को सकारात्मक और स्वस्थ। उन्होंने ये भी कहा कि वेदों को 10,000 साल पूरे हो रहे हैं। दुनिया में जिसे श्रेष्ठतम तरीके से जीना है वो वैदिक जीवन पद्धति अपनाए, उसे कोई तकलीफ छू भी नहीं पाएगी, कष्ट नहीं पहुंचा पाएगी। यदि आप वैदिक जीवन पद्धति अपनाते हैं तो आप भीतर बाहर से मजबूत रहेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निरंतर बढ़ेगी। मास्क लगाने से मुझे बहुत अधिक सफोकेशन होता है और अभी तो कई डॉक्टरों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि 24 घंटे यदि कोई मास्क लगाए रहता है तो उसको भी बहुत कष्ट बढ़ रहा है। और मैंने ये देखा, लोग अवसाद में डूबे हैं, बीमारी से जितने लोग कष्ट में नहीं है अवसाद से उससे ज़्यादा है। कई लोगों के दिमाग में बैठ गया, वो अकेले भी बैठे तो मास्क लगा के बैठे जिसके कारण उनको और तकलीफ बढ़ी है। बसपा विधायक रामबाई भी बगैर मास्क के यहाँ पे दिखाई दी। उन्होंने कहा, जिसके पास हिम्मत होती है वही कुछ कर सकता है, मास्क नहीं लगाने पर जो जुर्माना लगेगा मैं वो दूंगी, मास्क से मुझे घबराहट होती है। जिस मास्क से मुझे तकलीफ हो, घुटन होती हो, उल्टी भर रही हो, मैं कैसे पहन सकती हूँ? जनप्रतिनिधि है तो इसका मतलब है कि मैं ऐसे काम करूँ कि खुद ही मर जाऊँ। इस बीच मंत्री उषा ठाकुर ने यह भी बताया कि इंदौर में लगातार कोरोना के केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग सड़कों पर चाट पकौड़ी खाने आ रहे हैं। नागरिकों की लापरवाही है। लोग यदि नियम संयम और पवित्र व्यवस्था से जीवन में नहीं रहेंगे तो ये महामारियां हमें परेशान करती रहेंगे। लोगों ने फिर सड़कों पर चाट पकौड़ी खाना, बाजार में अकारण घूमना शुरू कर दिया, इसी की वजह से संख्या फिर से। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में माननीय अपनी मनमानी कर रहे हैं। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।